खबर महाराजगंज से है, जहां सातवें चरण में महाराजगंज जनपद में होने वाले मतदान को लेकर 7 मई से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बताते चले कि आगामी 7 मई से होने वाले नामांकन को लेकर जिलाधिकारी अनुनय झा ने बताया कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और नामांकन स्थल से 100 मीटर की दूरी तक ही प्रत्याशी के साथ 3 गाड़ियां आ सकती हैं। उसके बाद पैदल ही नामांकन स्थल तक प्रत्याशी समेत 5 लोग ही जा सकते हैं। वहीं डीएम अनुनय झा मतदाता जागरूकता को लेकर अलग अलग तरीके से अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे 1 जून को ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके। आपको बता दें कि इस बार महाराजगंज जनपद में लगभग 20 लाख मतदाता हैं, जो अपने मतों का प्रयोग कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने बताया कि 7 मई से होने वाले नामांकन को लेकर नामांकन स्थल पर 170 पुलिस कर्मियों को रखा गया है, जिसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल रखा गया है और जगह जगह बैरिकेडिंग भी किया गया है। वहीं महाराजगंज जनपद जो नेपाल से 84 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है, इसको देखते हुए 32 पॉइंट निर्धारित किए गए हैं, जहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए हैं। इसके अलावा फोर्स भी तैनात किया जाएगा, जिससे शांति तरीके से चुनाव संपन्न कराया जा सके। हम लोगों ने 3 जगह पे गाड़ियों को रोकने की व्यवस्था की। एक जो तहसील के आगे मेन रोड है, वहाँ पे मुख्यालय पार्क के पास और डीएफओ साहब के ऑफिस के पास। इसके बाद जो एरिया है 100 मीटर के परिधि तक का, जो कि महाराज सावजी महाराज जी की मूर्ति तक का है, वहाँ पे सिर्फ 3 गाड़ी आ पाएंगी एक कैंडिडेट के साथ। ये 3 गाड़ियाँ सावजी महाराज की मूर्ति के पास रुकेंगी और उसके बाद उन 3 गाड़ियों में जितने भी लोग होंगे वो पैदल चल के हमारे नामांकन कक्ष में आएंगे। नामांकन कक्ष में किसी भी समय सिर्फ 5 ही कैंडिडेट रह सकते हैं, 5 ही लोग रह सकते हैं कैंडिडेट के समेत, और अगर और लोग रहेंगे तो वो बाहर खड़े रहेंगे, और अगर उनको अंदर आना है तो जो अंदर के लोग हैं वो पहले बाहर जाएंगे, उसके बाद ही अन्य लोग अंदर आ सकते हैं। मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर किस तरीके की कैंपेन है? देखिए, हमारे महाराजगंज में युवा प्रतिभा जो है वो बहुत ही प्रभावी है। महाराजगंज के बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके सहयोग से हम लोग स्वीप का कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले हमने 24 तारीख को एक बहुत अच्छा मतदान वोटर रजिस्ट्रेशन का एक कार्यक्रम भी किया था, जिसमें एक ही दिन में हमें 1200 से अधिक फॉर्म्स मिले थे, और अभी हमने एक डेमो बूथ का भी हमने एक कार्यक्रम कल आयोजित किया था, जिसमें हमने बताया कि किस तरीके से एक वोटर जाके अपना वोट कर सकता है और क्या क्या वहाँ पे जो अधिकारी रहते हैं उनके दायित्व होते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल है और हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम मैक्सिमम लोगों को आउटरीच कर पाएँ, स्पेशली यूथ के वोटर्स को, और हमारा मतदान प्रतिशत जो है वो पूरे यूपी में नंबर 1 है। 7 मई से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत है और ये 17 तारीख तक चलेगी, जिसमें नाम वापसी की भी इंदिरा किस्म शामिल है। इस दौरान फोर्स की जो तादाद रखी गई है, लगभग 170 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जिसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल सभी की इसमें सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक पॉइंट को एक सब इंस्पेक्टर के तैनाती के साथ में कवर किया गया है। कई जगह पर बैरियर लगाए गए हैं ताकि वाहनों का मूवमेंट उस वक्त नियंत्रित किया जा सके। इसके अतिरिक्त इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी अंदर कार्यालय के दौरान कार्यालय में जो नामांकन की प्रक्रिया होगी उसको मॉनिटर करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। नामांकन की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से अबाधित संपन्न करवाने के लिए फोर्स को परसों ब्रीफ किया जाएगा और ब्रीफ करने के बाद में नामांकन के लिए इनको रवानगी कर दी जाएगी और अपने अपने ड्यूटी पॉइंट पर 17 तारीख तक मौजूद रहते हुए सारी कार्रवाई संपन्न करवाएंगे। जैसे कि बड़े एरिया पे खुला एरिया होने के नाते जो है काफ़ी यहाँ पे संदिग्ध जो है आते हैं नेपाल बॉर्डर की तरफ से, किस तरह की व्यवस्था की गई नेपाल बॉर्डर पे? देखिए, महाराजगंज की जो सीमा है वो लगभग 84 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ में साझा की जा रही है। इससे 84 किलोमीटर की सीमा में लगभग 32 पॉइंट इंटरनेशनल चेक पॉइंट हमने चिन्हित किए हैं, जहां पर सीसीटीवी लगवाए जा चुके हैं। इसके अलावा वहां फोर्स भी तैनात किया जाएगा। अभी पिकेट ये लग रही है, अभी उतना पर्याप्त फोर्स क्योंकि अन्य जनपदों में चुनाव संपन्न करवाने के लिए रवाना हुआ है तो थानों पर उतना फोर्स मौजूद नहीं है। SSV की भी नफरी भी चुनाव की वजह से अभी कम है तो पर्याप्त मात्रा में उनको कवर अभी हाल फिलहाल नहीं किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही फोर्स हमारा
वापस होगा, सारे चेक पॉइंट को कवर किया जाएगा और सघन चेकिंग की जाएगी। अभी FST और SST के जरिए चेकिंग की जा रही है, उस पर पर्याप्त फोर्स तैनात किया गया है।